नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड थर्ड एनवायरनमेंट विद अवर चैप्टर नंबर 10, दैट इज अबाउट किचन। अभी हमने किचन के बारे में पढ़ा, राइट? कौन कौन से यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, राइट? हम कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज करते हैं। देन हमने क्या पढ़ा? कुकिंग मेथड, राइट? कुकिंग मेथड के बारे में हमने पढ़ा, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड के बारे में हमने पढ़ा। देन यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो हमने पढ़ा। क्या चीजें हम रॉ खा सकते हैं, क्या चीजें हम पका के खा सकते हैं, वो हमने देखा, राइट? हमने ये सारी चीजें देखी लास्ट सेशन में। एंड इवन वी हैव सॉर्टेड आउट द थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, सॉर्टेड आउट द थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, एंड बोथ द वेज रॉ एंड कुक्ड जो आइटम हम खा सकते हैं वो। नाउ चपाती बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, कैसे हम चपाती बनाते हैं वो हमने देखा। सो आई होप यहां तक सबको पता चल गया है। एंड आफ्टर इफ यू कम टू नो द प्रोसीजर ऑफ द चपाती, मैंने बोला था कि हर रोज आप 3 चपाती कंपलसरी खाएंगे। सो आई होप हैव यू डन दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 65 कंटिन्यूएशन, दैट इज सी एंड राइट। आप देख सकते हो यहां पे सी एंड राइट। सो गो टू द किचन, किचन के अंदर जाना है एंड ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है? समथिंग बीइंग कुक्ड, जो भी खाना पकता है वहां पे आपको देखना है, जो भी खाना पकाते हैं मम्मा वो देखना है। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, अब एक पर्टिकुलर आइटम लेनी है आपको, राइट? अब वो देखना है कि कैसे मम्मा पकाती है। सो नेम ऑफ द आइटम, एक तो वो आइटम का नेम लिखना है, एंड इंग्रेडिएंट्स, स्टेप्स, इंग्रेडिएंट्स भी लिखने हैं और स्टेप्स भी लिखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दाल बनाती है मम्मा, राइट? आप कुछ भी ले सकते हो पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं कि अगर मम्मा दाल बनाती है, राइट? सो दाल के लिए वो है क्या, आपको कहां पे वो लिखना है? आइटम, ये क्या है? दाल जो है वो आइटम है, दाल भात वाली दाल। इंग्रेडिएंट्स, तो क्या चाहिए, जो भी चाहिए इंग्रेडिएंट्स, राइट? इंग्रेडिएंट्स यानी कि आपको जो भी चाहिए वो। दाल बनाने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो, सामग्री इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है। तो दाल चाहिए, वाटर चाहिए, देन कभी कभी हम मूंगफली भी डालते हैं कभी कभी, देन लेमन चाहिए, शुगर चाहिए, राइट? लेमन, शुगर एंड मसाला, उसमें सब कुछ आ जाता है, राइट? सो क्या क्या चाहिए वो आपको लिखना है। देन स्टेप, तो पहले दाल को वॉश करते हैं, स्टेप्स यानी कि उसकी प्रोसीजर। तो स्टेप्स में आप क्या करते हो, पहले दाल को वॉश करते हो, बाद में क्या करते हो, पानी डालते हो, उसमें मूंगफली डालते हो, राइट? देन उसको पकाते हो यानी कि बाफते हो, बोलते हैं ना, बॉईल करते हैं, राइट? बॉईल का मतलब और भी होता है, एंड पकाना यानी कि कुक करते हो। देन व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू ऐड लेमन शुगर मसाला बाय ग्राइंडिंग इट, राइट? और उसका हम वगार करते हैं, एंड आफ्टर दैट द दाल इज प्रिपेयर्ड, राइट? सो ये सारा मैंने दाल का एग्जाम्पल दिया है, आप कुछ भी पेटीज कुछ भी ले सकते हो, राइट? नाउ यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक इन अ वैरायटी ऑफ वेज, हमने देखा ना कि कुकिंग मेथड, वैरायटी ऑफ कुकिंग मेथड होती है, यानी कि डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, देन रोस्टिंग, देन बॉइलिंग, राइट? सो स्टीमिंग, ये सारी वैरायटीज है। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड व्हाइल सम आर स्टीम, कई को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, कई को हम रोस्ट करते हैं, देन कई फूड आइटम्स को हम क्या करते हैं, फ्राइड करते हैं, और कई को हम स्टीम्ड करते हैं, राइट? सो
हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं. नाउ थिंक एंड राइट. गिवन बिलो अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, यानी कि ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं. रोस्टिंग, राइट, देन बॉइलिंग, फ्राइंग एंड बेकिंग. सो ये चार डिफरेंट मेथड्स है कुकिंग की, राइट. सो राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुक बाय ईच ऑफ दिस मेथड, यानी कि कोई भी दो आइटम लेनी है जिससे हम ये कुक करते हैं, यानी कि रोस्ट तो रोटी करते हैं, चपाती करते हैं, भाखरी करते हैं, राइट, पापन करते हैं रोस्ट वो हो जाने के बाद. राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दिस मेथड्स. एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जांपल. यहाँ पे आपको दो ऐड करनी है, स्टीमिंग एक है, फ्राइंग एक है, राइट, और उसके आइटम्स यहाँ पे लिखने हैं. जैसे कि फ्राइंग है तो फ्रेंच फ्राइज, देन और क्या हम फ्राई करते हैं यहाँ पे, पेटिस करते हैं फ्राई, राइट, पकोड़े करते हैं फ्राई, भजिया करते हैं फ्राई, वैसे. सो दिस यू हैव टू डू राइट नाउ बाय योरसेल्फ, बट एट द एंड वी विल सी विद द आंसर्स. नाउ टेक आउट पेज नंबर 66, थिंक एंड राइट. आप ये पेज देख सकते हैं 66 वाला, थिंक एंड राइट. यस, विच फ्यूल इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस. हमारे घर पे कौन सा फ्यूल होता है, तो गैस से हम कुक करते हैं. हमारे घर पे गैस की बॉटल आती है, राइट, एलपीजी गैस की बॉटल आती है, तो हम उससे कुक करते हैं. बट सबके घर पे अलग अलग तरह का कुकिंग फ्यूल यानी कि जिससे हम कुक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कुकिंग फ्यूल, राइट. सो अलग अलग तरह के कुकिंग फ्यूल यूज होते हैं. ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स नेम. आपको अपने घर पे कौन सा यूज करते हैं उसका पिक्चर ड्रॉ करना है. तो बेसिकली वी यूज दिस वन, राइट, हम ये यूज करते हैं. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस वन. आइडेंटिफाई, नाउ हमें और क्या करना है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो. अब ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है एंड राइट द नेम्स, और उसके नेम लिखने हैं. मैच द पिक्चर विद द लिस्ट. मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग्स ऑल्सो. एक थिंग से ज्यादा भी मैचिंग हो सकता है, राइट. सो वॉट यू हैव टू डू इन होमवर्क, यू हैव टू मैच दिस विद दिस पिक्चर्स, राइट. आई होप सब कर लेंगे, क्यों, बहुत ही ईजी है, राइट. ये जो पहला वाला पिक्चर है अगर आप देखो तो ये जो पहला वाला पिक्चर है वो क्या है, यहां पे दिया गया है सनलाइट, राइट, दैट इज सोलर कुकर. वैसे ही ये क्या है, स्टव है, राइट, और ये जो स्टव है वो केरोसिन से चलता है. सो वो जो केरोसिन हुआ, सनलाइट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, वुड हुआ, देन काउडम केक्स हुए. सो दैट इज द, व्हाट इज दैट, दैट इज द कुकिंग फ्यूल, बर्तन. कुकिंग फ्यूल यानी कि बर्तन हम जो यूज करते हैं, बर्तन यानी कि वो बर्तन नहीं, कढ़ाई, कुकर, वो सारे बर्तन नहीं, बर्तन यानी कि जो फ्यूल होता है उसको हम बर्तन भी बोलते हैं, राइट. सो वो जैसे कि चूल्हा है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वो वुड से हम उसको यूज करके खाना पकाते हैं, वुड, लकड़ियां जला के, राइट. देन ये जो सेकंड वाला पिक्चर है, राइट, इसमें हम कोल डालते हैं, कोलसा, राइट. देन ये जो है वो गैस है. देन दिस सनलाइट, सोलर कुकर, राइट, ये स्टव है यानी कि केरोसिन, और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सगड़ी बोलते हैं इसको, राइट. देखो यहां पे प्लग दिया गया है, देखा, इलेक्ट्रिसिटी. सो आंसर तो मैंने बता दिए, आई होप सबको ये आ ही गए होंगे आंसर्स, राइट. नाउ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 67, रीड एंड मेक. हमें ये रीड करके खुद से एक आइटम बनानी है. लेट्स सी व्हाट इज दैट. सोक होल मग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर. अब एक
बाउल में पानी लेना है और उसके अंदर मूंग मग जो हम बोलते हैं गुजराती में उसको सोक करना है यानी कि पलाड़ना है राइट। इन द मॉर्निंग रैप द सोक मग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। अब दूसरी सुबह आपको क्या करना है, वो मूंग जो है उसमें से पानी निकाल के एक मसलिन क्लॉथ लेके, वेट मसलिन क्लॉथ, कोई भी अच्छा सा मसलिन क्लॉथ लेके उसको टाई कर देना है राइट। टेक इट आउट आफ्टर वन डे और उसके उसको कवर कर देना है राइट। और एक दिन के बाद उसको ओपन करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? यस, स्प्राउट्स हो गए होंगे राइट। क्या हो गया होगा? स्प्राउट्स। सो उसको हम स्प्राउटेड बोलते हैं, स्प्राउटेड मूंग फणगाइला मग, एंड दैट इज वेरी गुड टू हेल्थ राइट। नाउ एड फ्राइड ऑनियंस। अब ये जो मूंग है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में। अब उसको आपको क्या करना है, अंदर अनियन डालनी है, टोमेटोज डालना है, लेमन, सॉल्ट, जूस ऑफ मूंग एंड मिक्स। ओ वाव, अब इसको यहाँ लिखा है शेयर इट विद योर क्लासमेट, पर अभी तो क्लासमेट्स है नहीं हमारे, सो यू जस्ट बेटर शेयर विद योर मम्मा बिकॉज शी विल बिकम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये फूड आइटम आपने कुक की है राइट एंड आपकी मम्मा खाने वाली है। सो यू जस्ट प्रिपेयर दिस आइटम फॉर योर मदर बिकॉज एवरी डे शी यूज टू कुक फॉर यू। सो एक आइटम जो बिना पकाए खा सकते हैं वो आप अपनी मम्मी को ऑब्वियसली खिला सकते हैं राइट। आई होप एवरीबडी विल डू दिस एक्टिविटी। नाउ लेट्स सी लुक एंड राइट, विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। अब ये देखा हमने कुक नहीं किया है और हमने प्रिपेयर किया है, सो ऐसी और कौन सी आइटम्स हैं जो आप बिना पकाए बिना कुकिंग किए बना सकते हैं, जैसे कि लेमन वाटर, नींबू पानी राइट। उसमें क्या करना होता है, मिक्स शुगर विद वाटर राइट। लेमन वाटर में आपको बेसिकली क्या करना होता है, लेमन वाटर में बेसिकली यू हैव टू मिक्स लेमन विद वाटर, एड लेमन जूस, स्ट्रेन इट यानी कि हिलाना है और लेमन वाटर इज रेडी। वैसे दो आइटम्स यहाँ पे आपको लिखने हैं राइट, जैसे कि मिल्क शेक राइट। मिल्क के अंदर कोई भी जो हम शेक वाला जो इंग्रेडिएंट्स आता है उसको डाल के हम बना सकते हैं, शुगर ऐड करके उसको पकाना नहीं पड़ता है राइट। सो वैसे बहुत सारे आइटम्स हैं आप बना सकते हैं विदाउट कुकिंग, सो यू हैव टू नोट राइट डाउन हियर इन द टेबल। सो हियर वी कंप्लीट विद अवर चैप्टर नंबर 10, वेरी इजी चैप्टर, आई होप सबको पता चल गया है ये चैप्टर के बारे में। एंड रीड 2-3 टाइम्स एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है इसके हिसाब से, सो गो थ्रू इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।